काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे काट तो लेते हैं हर कोई जिंदगी, अरे काट तो लेते हैं हर कोई जिंदगी, मगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में राज्य राजधानी के बारे में पढ़ा था और उसको हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख गए होंगे मैं उम्मीद करूंगा। और आज हम लोग उसी राज्य राजधानी को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कर्नाटक राज्य। यह है कर्नाटक राज्य, देख सकते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु, देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और कर्नाटक में सबसे फेमस जगह कौन सी है? कर्नाटक की सबसे फेमस जगह कौन सी है? आपका मैसूर का पैलेस। कौन सा? मैसूर का पैलेस, जिसको अंबाला पैलेस भी बोला जाता है। मैसूर का महल, जिसमें टीपू सुल्तान भी रहा करते थे, इस महल में। ये महल बहुत ही खूबसूरत है। कभी आप बेंगलुरु जाएंगे तो मैसूर के पैलेस से घूम के आना, मैसूर के महल से घूम के आना। आप लोगों को ये महल देखने में बहुत ही खूबसूरत और पुरानी महल है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अब चलते हैं, हम लोगों ने कर्नाटक के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग चलते हैं राजस्थान। राजस्थान चलते हैं, देख सकते हैं यह है राजस्थान। और राजस्थान में जब बात होती है तो वहाँ बालू और ऊँट की भी बात आ जाती है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ है? जयपुर इसकी राजधानी है, देख सकते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान में सबसे फेमस प्लेस कौन सा है? राजस्थान का सबसे फेमस प्लेस है आपका हवा महल। कौन सा महल है? हवा महल, देख सकते हैं। यह है हवा महल है। आप लोग अगर कभी भी राजस्थान जाएंगे या फिर कोई भी बंदा ऐसा है जो राजस्थान में है, तो आप लोग हवा महल से घूम के आना। ये हवा महल बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए लायक है, और घूमने के लायक है। आप लोग जाएंगे तो मतलब आनंद ही आनंद मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। ये हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में है, जयपुर में है। और आज की डेट में तो गूगल मैप से भी पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। बहुत ही आज के डेट में बहुत ही सुविधा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है, हवा महल देख के आना है। जयपुर है, जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। और हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, आपसे कोई अगर पूछ दे कि हवा महल कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ दे कि हवा महल कौन से राज्य में है, तो आपको बताना है राजस्थान जयपुर में है। ठीक है, आप चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया राजस्थान पढ़ लिए हैं, अब आगे चलते हैं पंजाब। कौन सा राज्य पढ़ेंगे हम लोग? पंजाब, देख सकते हैं यहाँ पंजाब है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी आपका चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़, देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब में सबसे फेमस प्लेस कौन सा है? पंजाब का सबसे फेमस प्लेस है स्वर्ण मंदिर। पंजाब का सबसे फेमस प्लेस है स्वर्ण मंदिर, इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखना, भूलना नहीं। ये फेमस प्लेस है स्वर्ण मंदिर। कभी भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना है पंजाब में है चंडीगढ़। ठीक है, ये अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है आपका स्वर्ण मंदिर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग पंजाब देख लिए, अब चलेंगे हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा, देख सकते हैं हरियाणा। अब देखते हैं, पंजाब और हरियाणा सटा हुआ राज्य है, और दोनों का जो राजधानी है ना एक ही है, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, देख सकते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ? चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़ में ही है। दोनों राज्य की जो राजधानियाँ हैं वो एक ही जगह पर हैं, वो चंडीगढ़ में रखा गया है। दोनों राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। हम लोग हरियाणा पढ़ रहे हैं, हरियाणा जगह पर हैं, तो हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा का सबसे फेमस प्लेस वो है आपका रॉक गार्डन। क्या है? रॉक गार्डन। हरियाणा का सबसे फेमस प्लेस है रॉक गार्डन। आप लोग देख सकते हैं, पत्थर से ये मूर्ति बनाते हैं, गार्डन में है, और लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत पत्थरों से ही बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं और देखने के लायक होते हैं। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा में है, ठीक। पंजाब नहीं बोल देना कि पंजाब में है, क्योंकि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है,
पंजाब में नहीं बोलना, बोलना ये रॉक गार्डन कहाँ है, आपका हरियाणा में है, चंडीगढ़, ठीक है, याद रहेगा आपका। अब चलते हैं, हम लोग पंजाब देख लिए, हरियाणा देख लिए, राजस्थान देख लिए, आप कर्नाटक भी देख लिए, अब हम लोग चलेंगे हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश एक मतलब ऊपर वाला जगह है, यहाँ पर बर्फ़ वगैरह है, होती है बर्फ़बारी होती है। और हिमाचल प्रदेश आप लोगों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस सब से थोड़ा नीचे ही है हिमाचल प्रदेश। आप लोग कभी भी हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब जो है ना ये केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है पूर्वोत्तर राज्य में, मैं उन लोगों को भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसके राज्य राजधानी और वहां का जो फेमस प्लेस है उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को जो बता रहा हूं वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका है शिमला। कहाँ है शिमला, देख सकते हैं बोर्ड पर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है शिमला। शिमला घूमने में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जाओगे घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा आपको फील आएगा, क्योंकि बर्फ़ का एरिया है, बर्फ़ में आपको स्केटिंग वगैरह भी होता है, बर्फ़ में घूमने में अच्छा लगता है। और यहाँ की राजधानी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है। अब हिमाचल प्रदेश में सबसे फेमस प्लेस कौन सा है, वो है आपका चंद्रताल झील। कौन सा झील, चंद्रताल झील, देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। कभी भी आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश तो चंद्रताल झील से घूम के ही आना, कभी भी आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो चंद्रताल झील से घूम के ही आना, बहुत ही अच्छा है और ठंडा एरिया है, अगर जाओगे तो सेफ्टी से जाना। मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में 5 राज्य राजधानी और वहाँ के फेमस प्लेस के बारे में मैंने बताया है, और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।